आज मैं आपके लिए बना रही हूँ पेरी पेरी चिकन वेजिटेबल रोल। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें मैंने 1 कप चिकन लिया है। चिकन को मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया। आप चाहें तो क्यूब में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने सब इसी शेप में वेजिटेबल्स और चिकन सेम शेप में रखी। 1 कप मैंने बेल पेपर लिए, कैबेज लिए 1 कप, कैरेट लिया 1 कप, 1 टेबलस्पून गार्लिक को मैंने चॉप कर लिया, 1 ग्रीन चिली को मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया, 1 टीस्पून सोया सॉस लिया, 1 टीस्पून चिली सॉस लिए, 1/2 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून अनियन का पेस्ट लेना है, 1 टेबलस्पून सिरका, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक, सॉल्ट टू टेस्ट, जितना आप कम ज़्यादा जैसे भी खाते हैं, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1/2 टीस्पून, 1 कप चिकन के लिए इनफ है। 1/2 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट ली है मैंने, और 1 टीस्पून मैंने टोमेटो पेस्ट और चिली गार्लिक पेस्ट को मैंने मिक्स कर लिया। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम बेल पेपर लेंगे। बेल पेपर को हम 1/2 यूज़ करेंगे। ये बेल पेपर लेना है, इसको हमने ग्राइंड करना है। इसमें हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर, अनियन, 1/2 टीस्पून लेंगे ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून से भी कम लेंगे सॉल्ट। आप कम ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। 1 पिंच चाइनीज सॉल्ट, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून टोमेटो एंड चिली गार्लिक सॉस। इसे अब हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। मैं उस टाइम पे शुगर ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने शुगर भी साथ में ग्राइंड कर लिया अच्छे से। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चें और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने आपको उतना बताया जितना इस क्वांटिटी के लिए इनफ है। अब हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। हमने चिकन लिया, चिकन में हम ये सब कुछ ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके 1/2 आवर के लिए हम इसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि मैरिनेशन जितनी ज़्यादा देर के लिए होती है उतना अच्छा टेस्ट डिवेलप होता है। मेरे पास ग्रीन बेल पेपर था तो मेरे कलर ये आया, अगर आप रेड बेल पेपर यूज़ करेंगे तो वो एक रेडिश कलर आएगा और वो बहुत खूबसूरत लगता है वो कलर। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो गया। हमने पैन लिया, पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया हमने। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से कुक हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे, ना तो हाई फ्लेम रखेंगे और ना ही बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे। देखिए अब हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। इसे हम निकाल लेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। हम बिल्कुल लो कर देंगे। ये देखिए चिकन का कलर कितना प्यारा आया है। देखिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक को, हमने अच्छे से चॉप कर लिया। इसको हल्के से हम सौते करेंगे, और ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम इसमें वेजिटेबल्स अपनी ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे ये भी हमारा साथ में फ्राई होता रहेगा। और देन हम इसमें कैरेट ऐड कर देंगे, क्योंकि वो कुक होने में सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए सबसे पहले हम वो भी ऐड करेंगे। नमक आपने बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि आपने चिकन में भी नमक डाला हुआ है तो वेजिटेबल में भी बहुत हल्का सा सॉल्ट ऐड करेंगे हम, क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें मिक्स होंगी तो इनका टेस्ट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिली।
आपकी मर्जी है, अगर आप ग्रीन चिलीज नहीं खाते तो आप मत जाइए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड करेंगे तकरीबन आप देख लें 1 kg के करीब। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि ये जब बाद में रोल में जब फ्राई होगी तो इसमें भी ये कुक हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा कुक करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कि इसका कच्चापन खत्म हो गया। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेल पेपर। हम पहले देखेंगे मिक्स करके कितने ज़रूरत है, उसके मुताबिक हम मज़ीद ऐड करेंगे। व्यूअर्स आप अपनी मर्जी से चिकन वेजिटेबल कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके अलावा सॉल्ट भी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, चिली वगैरह भी जितनी आप खाते हैं उतनी आप रख सकते हैं। इसको भी अच्छे से हम फ्राई करेंगे। ये इनफ है और इसके साथ ही हम इसमें कैबेज भी ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। कैरेट को कुक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी कैबेज और बेल पेपर ऐसे ही फ्राई में ही वो अच्छे से कुक हो जाती है। इस स्टेज पे अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 pinch सॉल्ट, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर, 2 teaspoon सिरका, 1 teaspoon चिली सॉस एंड 1 teaspoon सोया सॉस, 1.5 teaspoon सोया सॉस। अच्छे से मिक्स करेंगे। नाउ आई एम एडिंग चिली गार्लिक सॉस, तकरीबन 2 teaspoon के करीब मैं इसमें ये ऐड करूँगी। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमें मज़ीद स्पाइसेस की इसमें ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सॉल्ट हमने उसमें भी डाला हुआ है, तो हमें बैलेंस रखना है ऐसे कि जब हम ये दोनों चीज़ें मिक्स हों तो वो ज़्यादा ना हो जाए। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम जो हमारी बाकी बची हुई सॉसेस थी 1 teaspoon के करीब सोया सॉस थी, ये भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगेन सोया सॉस की चिली सॉस ऐड की थी पहले, तो अब हम सोया सॉस की 1 teaspoon के करीब अगेन ऐड कर रहे हैं और ये सरका भी 1 teaspoon। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉल्टी नहीं करना क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, और इसके अलावा ये कि जब हम रोल या समोसे की स्टफिंग रेडी कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी नहीं रखते हैं, क्योंकि फिर जब वो फ्राई होने के बाद खाते हुए उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा होता, तो टू मच सॉल्टी नहीं रखना, बस आपको इसका नॉर्मल रखना है। हमारी स्टफिंग रेडी है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे उतार देंगे और इसके साथ अब हम रोल के लिए जो पट्टी है वो रेडी करेंगे। जी तो व्यूवर्स, रोल की फिलिंग तैयार हो चुकी है, अब हम रोल की पट्टी बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले बैटर तैयार करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा, इसको मैंने छान लिया। जो चीज़ें ऐड होंगी उसमें 1/2 teaspoon सॉल्ट ऐड होगा, 1/2 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon ऑयल, 450 ml इसमें पानी यूज़ होगा। तो पहले मेरे पास ये 250 ml का कप है, तो पहले हम 250 ml ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और फिर हम अगेन पानी ऐड करेंगे, एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब यहाँ पे हम बाकी का पानी ऐड करेंगे। ये देखें मेरे पास 250 ml का कप था, तो 250 ml मैंने पहले डाला था और तकरीबन 200 ml मैंने अब लिया, मैंने वो ये वाला कप फुल भर के नहीं लिया। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमारा अच्छे से बैटर इसका तैयार हो गया, मिक्स हो गया।
अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। इस तरह इसमें कोई भी अगर ज़र्रे वगैरह रह गए होंगे तो वो अच्छे से निकल जाएंगे। देखिए पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया, इसकी हमने ऑयलिंग कर ली थी। अब हम इसमें अपना बैटर डालेंगे, फटाफट से ऐसे सारे में स्प्रेड कर देंगे। बस एक बार आपने करना है, बाकी जितना आपका बचा हुआ बैटर होगा वो आप पैन में वापस निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो वो एक बहुत मोटी सी लेयर बन जाएगी जो कि अच्छी नहीं लगेगी। अब हम इसे यहाँ पे पकने देंगे। ये देखेंगे साइड से ये खुद ब खुद किनारे जो हैं ये खुद ब खुद अलहदा हो जाएंगे। अब हम इसको एहतियात के साथ उठा लेंगे। ये देखिए कितने आराम से उतर गया, कितनी पतली सी लेयर बनी है। इसलिए हम यहाँ पे इसकी ऑयलिंग कर लेंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे और ड्राई होकर फट जाएंगी, तो इस वजह से ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम अपनी बाकी तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैं उनकी पट्टी तैयार है, हम इस तरह से फैलाएंगे। यहाँ पे हम अपनी फिलिंग रखेंगे, इसको इस तरह से रोल कर देंगे। मैंने इसका मैदे का बैटर बनाया था ताकि इसको ये पेस्ट हो जाए अच्छे से, और इस तरह से इसको रोल कर लेंगे। इस तरह से हम सारे रेडी करेंगे और देन इसको फ्राई करेंगे। ये हमारे रोल सब बनके रेडी होंगे। इसको मैंने हाफ आवर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हम वन बाय वन करके ये रोल इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं है रोल का होता, हम इसे गोल्डन सा कलर देते हैं लाइट सा शेड। हमारे मज़ेदार क्रिस्पी पेरी पेरी चिकन वेजिटेबल रोल तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक देंगे आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।